राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी और लू का असर देखा जा रहा है। दिल्ली में बीते दिन ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार भी नहीं है। राजधानी के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति जारी रहेगी। अपने ताज़ा पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बिहार, हरियाणा और पंजाब के लिए लू की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और आंतरिक महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति संभव है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले 2 से 3 दिनों में पंजाब और हरियाणा के आसपास के मैदानी इलाकों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग गरज के साथ छिटपुट बारिश और बिजली गिरने और धूल भरी आंधी और गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हाँ, इस पर देखें तो जो वेदर है वो गर्मी चल रहा है, जो मार्च में ऑनवर्ड जो है वो थोड़ा टेम्परेचर जो ज़्यादा चल रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आजकल की देखें तो उसमें भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर मार्च महीने के इंटायर मार्च भी देखें तो बहुत सारे ऐसे दिन रहे जिसमें जो तापमान थे वो 6 से लेकर 8 डिग्री तक ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। और जो इस बार अगर पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो इस साल जो मार्च का महीना था वो वार्म रहा। कई जगह जो टेम्परेचर जो है वो थोड़े रिकॉर्ड भी हुए, जैसे कि पटियाला में था। पटियाला में पिछले 70 सालों में जो इस बार मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा जो तापमान वो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जो अप्रैल का महीना चल रहा है ये भी लगातार ड्राई चल रहा है, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच तो कर रही हैं लेकिन इससे कोई जैसे सिग्निफिकेंट बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बीच में कहीं बूंदाबांदी जहाँ आपने थोड़ी तेज़ हवाएं चली जिससे तापमान में थोड़ी बीच बीच में कमी रही, जैसे कि पिछले 24 घंटों में भी जो पंजाब के कुछ इलाके थे, जो खास करके ईस्टर्न पंजाब था और साथ में नॉर्थ हरियाणा में और सेंट्रल हरियाणा में जो बादल थे और थंडर एक्टिविटी भी हुई जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट रही। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें वेदर जो है वो दोबारा से गर्म होगा और अपने टेम्परेचर भी राइज करेंगे। इसमें 28 तारीख से जो हमने वार्निंग भी इशू की हुई है, जो पंजाब है और जो हरियाणा के कुछ एक इलाके होंगे उसमें हीट वेव कंडीशन जो वो प्रिवेल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर मौसम के मिजाज में अभी भी गर्मी का दौर जारी रहेगा, तापमान में उछाल का दौर जारी है और अगले दिनों तक लू का कहर भी ऐसे ही बना रहेगा। ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। इस मौसम में धूप से बचाव के साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। आम का पना और रेशेदार फलों का सेवन करें। बुखार होने पर तुरंत ही विशेषज्ञ से परामर्श लें। AC से सीधे धूप में निकलने से बचें। इससे सर्दी गर्मी का खतरा हो सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।